पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मुझे नॉमिक्लेचर बताना पड़ेगा पैराबोला में क्या होता है क्या नहीं होता, ये वर्टेक्स एक्सिस फलाना ढिमकाना लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट फलाना ढिमकाना, जिसमें करीब 1 घंटा लगेगा इन इट बनार। ठीक है ओके, तो कुछ पूछना है तो नॉमिक्लेचर, नॉमिक्लेचर बेटे ये कि मतलब क्या चीज का है। अब तुम्हारी आंख क्या है, इसको लिखते हैं ना आई, ई वाई ई एस, मैं लिखवा नॉमिक्लेचर ऐसा होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना वो डाउट टाइप, देख लें अनुराधा का अनुरोध है कि आपने कोनिक सेक्शन के विजुलेशन के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था ना, प्लीज वो एक बार ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है ग्रुप पे भेज देंगे ओके ठीक है। और कोई, ये तो सुंदर अनुरोध था। ठीक है तो ये आईज होती है ना जिससे हम देखते हैं, ठीक है ये होता है बच्चों माउथ जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं अपन। ठीक है ओके जी, ये होती है नोजी गंदी गंदी पीली पीली, ठीक है ओके। ये होते हैं हेयर बेटे, कईयों के होते हैं कईयों के उड़ जाते हैं। ठीक है इंपॉर्टेंट मार्क पढ़ लो इसको, जिनके नहीं होते हैं बहुत विनम्र होते हैं वो। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आपके, हाउ आर यू ओके। चले भी आगे और भी बाकी, तो ये आपके हैंड्स आपको दिख ही रहेंगे। ठीक है ना, जो अपन अनअकैडमी के नोट्स बनाने में बिजी रहते हैं अपन, है ना, इन्हीं की हेल्प से। भाई किसी को कुछ पूछना है तो टॉक करके लिख दो, मैं बता देता हूँ। सर डी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न, नहीं बेटे हम तो 1 घंटे से मजाक मजाक कर रहे थे यहाँ पर, देख रहे हो पूछा ये इंपॉर्टेंट है, कैसा जमाना आ गया है। टॉक वरुण बोल रहा है, टॉक ओके वरुण। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ गुड गुड इवनिंग, हाँ बताओ भाई। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपका 22 दिसंबर से बैच आ रहा है उसमें जो लाइक लॉगरिथम का अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, तो उसमें सर लाइक आप पढ़ाएंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी? तुम बेटे किसी को लाइक बहुत करने लग गए, इतना तो पता चल गया हम लोग को, आज हमें ही पता चल गया आप किसी को बहुत लाइक करते हो। आप बोल नहीं रहे हो घर वालों से, आप लाइक बहुत करते हो किसी को। हाँ बेटे लाइक, जैसा कि आप बोल रहे थे तो लाइक लॉग के लेक्चर्स आप यू कैन सी देयर, तो लाइक की लॉग लिखा है तो फिर लॉग ही लाइक में पढ़ाऊंगा। नहीं सर, मतलब आप पढ़ाएंगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी लॉक की? बेटे आपको जितना जरूरत होगा ना पढ़ाने का, जितना जरूरत होगा आपको पढ़ा दिया जाएगा 3-4 महीने में, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आपको डाउट आएगा उसके लिए क्लास लगा दूंगा मैं, और यू नो जो भी आपकी चीजें होंगी जो भी आपको जरूरत होगी ना 3 साढ़े 3 महीने में, अब थोड़ा जोश में काम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, प्रॉब्लम कराओगे नहीं कराओगे, सब हो जाएगा और जी ठीक सर, ठाक क्वांटिटी में हो जाएगा। पर आप सोचो कि लॉग आप सारे चैप्टर आप उतने अच्छे से पढ़ लो जितना आप 10 महीने में पढ़ते हैं, उतना अच्छे से तो नहीं पढ़ पाओगे ना। सर नहीं मैं 10 महीनों से ही पढ़ रहा हूँ, है? मैं 10 महीनों से ही पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ने को तो मैं भी जन्मों जन्मांतर से पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है ना, पर आप बात समझो ना, सर पढ़ने का भी वो क्या है ना, एक होता है तरीका होता है, मतलब कोई 3 घंटे पढ़ता है कोई 10 घंटे पढ़ता है। ठीक है आप कितने घंटे पढ़ते आ रहे हैं, आप सर लेक्चर्स अगर चार एवरेज पांच लेक्चर नहीं, अरे भाई लेक्चर देखने को और नोट्स बनाने को प्लीज डोंट काउंट देम इन स्टडी आवर्स। वो तो एट तुम आवर्स करोगे ना, वो देखते तो घर हैं। वाले बोलेंगे स्कूल जा, स्कूल जाने को तो पढ़ना थोड़ा ना कहते हैं। आप मेरी बात समझो, स्कूल जाने को पढ़ना कहते हैं क्या, बताओ? नहीं सर, स्कूल जाने को पढ़ना कब से कहने लग गए भाई, पढ़ते तो आप घर पे आके हो ना, घर वालों ने बोले घर पे आके नहीं पढ़ेगा क्या, होमवर्क करेगा, होमवर्क करने को आप कर चलो काउंट कर लो। वैसे तो मैं होमवर्क करने को नहीं मानता, मैं तो सोचने को मानता हूँ, प्योर थिंकिंग। खैर एनीवेज हाँ बताओ भाई कितने घंटे पढ़ते हो आप, 7 to 8 hours सर, 7 to 8 hours अदर कभी कभी। देन क्लासेस, हाँ सर, हो गया तेरा सिलेक्शन? ठीक है ओके। अब यस सर। प्रॉब्लम क्या है तेरे को, तू क्यों पूछ रहा फालतू चीजें, फिर ये
22 दिसंबर 22 दिसंबर तेरी तैयारी ठीक चल रही है, क्या दिक्कत है? सर नहीं, बस मुझे लगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होगा इसलिए पूछा। देख जिसको ज्यादा बुखार आता है ना उसका भी सिलेक्शन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, यस सर। जिसको ज्यादा बुखार आता है ना उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे फंडे हैं मतलब, ठीक है 7-8 घंटे पढ़ने वाले का हो जाता है, 10-12 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात? 7-8 घंटे यस जो बच्चा पढ़ता है उसका हो जाता है, जो 10-12 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब अगस्त या जो पूछ रहा है, वाओ कैसे, एक चीज होती है झूठ बोलना है ना, एक चीज होती है झूठ बोलना। जैसे मैं अपनी दीदी से झूठ बोलता हूँ, ठीक है झूठ बोलना हो गया। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस में क्या करोगे? काम है। क्या काम है? कंटेंट एंड फलाना, राइट, ठीक है। तो पॉइंट इज कि सब लोग झूठ बोलते हैं, ओके झूठ बोल रहे ना, 10-12 घंटे पॉसिबल ही नहीं ना यार पढ़ना, यार नहीं है पॉसिबल। मैंने करके देखा है, आंखें सूज जाती हैं, दिन पूरा थका थका रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठेगा, नहीं पढ़ पाओगे। 10-12 घंटे ना वंस हो जाता है, हफ्ते में एक दिन आप पढ़ सकते हो, 7 to 8 days में आपका एक दिन हो सकता है कि आपने 12 घंटे टच कर लियो, ठीक है ना, 12 घंटे टच कर लियो, अदरवाइज एनर्जी नहीं होती है। दिमाग ऐसे हिलता हुआ देखा तूने, हिलता हुआ ऐसे घूमता है जैसे अपन काफी वर्कआउट, वर्कआउट तो नहीं मतलब ज्यादा आपने वर्क कर लिया है कुछ, ज्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा सोचना तो खुद ही तेरे को कैसे कैसे फील आती है, बर्न आउट। हाँ भाई लोग झूठ बोल रहे होते हैं यार, या उन्होंने वो अपने वो लेक्चर्स उसमें जोड़ रखे हैं, और 5-6 घंटे स्कूल के घंटे जोड़ लिए और 4 घंटे घर पे आके पढ़ लिए। बट ये तो कोई भी कर लेता है, ये तो आम आदमी है, आम आदमी का काम है ये, 6 घंटे क्लास अटेंड करना 5-6 घंटे और उसके बाद 4 घंटे पढ़ लेना, ये आम आदमी है। 4 घंटे में आपका होमवर्क भी नहीं होगा, थिंकिंग तो भाड़ में गई, इसको 7 कर दो आप, 4 और 7 में जमीन आसमान का अंतर होता है एक्चुअली, ठीक भाई। मयंक बोल रहा है टाक कर लीजिए, मयंक भाई टाक कर लेते हैं आपसे, बताइए भी क्या डाउट, जो और कुछ पूछना तो पूछ लो क्योंकि फिर अगली टर्न पे पैराबोल। हेलो यस सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मयंक, बताओ। सर मुझे पूछना था कि सर जैसे अभी 12 दिसंबर को भी टेस्ट था ना, वो एडवांस पैटर्न वाला। हाँ, सर मेरे को ना सर मतलब तुम्हारे अभी लिए तो सही जब नहीं, वो तुम 11th में हो 12th में हो? 11th का भी टेस्ट था, 12 दिसंबर इलेवेंथ को। करते? हाँ बोलो बोलो। सर उसमें सर जैसे मैंने अप्रैल से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन सर अभी तक हमने जितने भी मॉक पेपर दिए हैं, 3 4 5 हो चुके हैं मॉक पेपर, 4 हो गए हैं, 4 5 हो गए हैं, उसमें सर मेरे हर बार ना अनआंसर्ड क्वेश्चन ज्यादा रह जाते हैं, कि जैसे जो मैं करता हूँ उसमें नेगेटिव मार्किंग, या कोई दिक्कत नहीं, अनआंसर्ड भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, डोंट वरी। जैसे अभी लास्ट वाले टेस्ट में 54 क्वेश्चंस थे इन टोटल, मतलब एवरेज में बता रहा हूँ कि 54 to 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें से अगर मैं जैसे 20 क्वेश्चन अगर टेस्ट में आते हैं तो मेरे उसमें से 8 9 अनआंसर्ड चले जाते हैं, कि मतलब कि बढ़िया है, मुझे क्या दिक्कत, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बताओ आप? क्योंकि सर जैसे अब सर ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने आंसर करे हैं उसमें भी 100% सही हूँ, ऐसा भी नहीं होता। जैसे अगर मैं 10 आंसर करे हैं हाँ ठीक तो है ठीक, छः आगे सात बोलो आगे बोलो। तो सर सर यही दिक्कत होती है कि मेरे अनआंसर्ड की वजह से ही ना मार्क्स काफी ज्यादा लो चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? काफी लो चले जाते हैं सर, काफी लो चले जाते हैं मार्क्स। नहीं बेटे ये बात आपने गलत बोली, मार्क्स आपके कम इसलिए हैं क्योंकि आप कम पढ़े हो, ठीक है, आप में नया नया जोश होगा, आप 3-4 महीने से पढ़ रहे होगे, ठीक है, आज आपको 8 क्वेश्चन कम दिख रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग 1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं उनकी मेहनत देखो ना आप, उनके कंपैरिजन में आप अपनी मेहनत देखो, मार्क्स आपके जितना आपकी औकात है ना उस हिसाब से मार्क्स आपके सही आ रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर। तो मैं क्या होता है बच्चे में क्या नया नया जोश होता है, 3-4 महीने से पढ़ने बैठता है, नंबर आने चाहिए 3 महीने में। तुम्हें भी ऐसा नया नया जोश होगा, अभी रिसेंटली कुछ नया जोश जगा होगा तुम्हारे, ऐसे ही है नहीं ना। सर, नहीं सर, थोड़ा मॉक पेपर में सर अच्छे नंबर आते हैं तो और ज्यादा पुट इन करने का, एफर्ट पुट इन करने का मन करता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो ना अभी रिसेंटली, आप जो पढ़ना, जो आपकी कैपेसिटी बढ़ी है ना अभी एकदम से, बढ़ी होगी डेफिनेटली यस बढ़ी सर। होगी, वो अभी रिसेंटली बढ़ी है, उसको एक लंबा अरसा नहीं हुआ है, यानी कि करीब साल भर नहीं हुआ है या 7-8 महीने नहीं हुए, अभी ये एक सर दो महीने हुआ है, सितंबर के आसपास से हुआ है सर, काफी वही कह ज्यादा। रहा हूँ 1-2 महीने 1.5-3 महीने, ठीक है। मैंने कुछ गलत बोला? मैंने पहले गैस कर लिया ना आपकी जो हालत हाँ थी, सर, दूर से गैस कर लिया, राइट, सर आपने अभी तक कुछ गलत नहीं बोला है। मैं जानता हूँ, ठीक है ओके। पॉइंट ये है कि आपको लंबे टाइम तक मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको अच्छा बड़ा आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, बड़ा आउटपुट आपको तभी मिलेगा। आप करीब 10 महीने वर्क करोगे ना आप,
तो आपको क्लियरली अपने दिमाग, अपनी नॉलेज, अपनी कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, यू नो वर्बली डूइंग, एक दो स्टेप्स कम, समझ रहा? जब मैं बोलता हूँ कि यार ये इतने स्टेप्स में करना है अपने को, पांच स्टेप्स, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो आप उसको उसी सवाल को आप कुछ टाइम बाद तीन स्टेप में करने लग जाओगे. दिस हैपेंस, ये होता है, पर ये टाइम लगता है ना. ठीक है, ओके सर. ओके.